जो इस बेटे की भावनाओं को ठेस पहुंची थी उसी का परिणाम है आज कंगना रावत जैसी जो सांसद है उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। क्या सही मानते हैं एक ड्यूटी पर तैनात जवान CISF की जवान और वो इस तरीके से कानून को हाथ में ले रही, क्या वो सही है? जो कंगना रावत है वो एक अपने शरीर को नुमाइश करती है, वो हम उसको उस निगाह से नहीं देख सकते। कुलविंदर कौर और कंगना रावत है, इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक मामला सामने आया जहाँ पर कंगना रावत के साथ CISF जवान ने वहाँ पर थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो उनकी माताजी बैठी थी उनको कहा गया कि 100-100 रुपए लेकर ये महिलाएं बैठी हैं, ऐसी वीडियो भी सामने आई थी कल उस जवान की ऐसे बोलते हुए, तो उसको लेकर आज उचाना के अंदर जो धरना स्थल है उपमंडल कार्यालय के अंदर वहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं और उनकी आज मीटिंग हुई है। क्या कुछ फैसला लिया गया और क्या वो इस चीज़ को सही मानते हैं गलत मानते हैं, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ये सही है और क्या ये गलत है। आज जो मीटिंग रखी है उसका मेन मकसद क्या है, कैसे क्यों रखी गई है? देखिए, जो हमारी शेर दिल बेटी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ की गूंज पूरे दुनिया के अंदर गई है और इस थप्पड़ की चर्चा पूरे भारत देश में और पूरे दुनिया में, क्योंकि कंगना रावत जिन्होंने आज भी जो बयान दे रही है कि उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये लोग कार्रवाई करे हैं, जबकि देश के अंदर पूरी शांति है, आज भी उसकी जबान पर कंट्रोल नहीं, और पहले भी जो इस बेटे की भावनाओं को ठेस पहुंची थी उसी का परिणाम है आज कंगना रावत जैसी जो सांसद है उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। तो क्या सही मानते हैं एक ड्यूटी पर तैनात जवान CISF की जवान और वो इस तरीके से कानून को हाथ में ले रही, क्या वो सही है? देखिए, किसी की भावना को हाथ पहुँचाना और किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करना, किसी की माँ बाप को गाली देना, सही तो कुछ भी नहीं। सही तो इस देश के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री सोया पड़ा था, हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर वो बलात्कार की शिकार थी और बलात्कारी का पक्ष किया जा रहा था, सही गलत तो कुछ नहीं, लेकिन हम इसको बिल्कुल हम इस कुलविंदर कौर के पक्ष में खड़े हैं, उसको सैल्यूट भी करते हैं कि उसने जो बदतमीज जो बदजुबान राजनेता है उनको सबक सिखाने का काम किया। अगर इसी प्रकार से इन नेता और राजनेताओं ने अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं किया तो देश में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्रांति का आगाज हो चुका है। ये इसलिए राजनेताओं ने भी अपने जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। 13 महीने आंदोलन चला, उस दौरान भी हमारे को आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया, परजीवी देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया कहा गया, लेकिन जब एक पूर्व मुख्यमंत्री फरसा लेकर गर्दन काटने की बात करता है और बिजली कर्मचारियों को फांसी पर लटकाने की बात करता है, अगर उस बेटी ने जिसकी भावना को ठेस पहुंची, जिसकी मां को गाली दी गई, जिसकी मां के बारे में क्या कहा गया कि 100-100 रुपए लेकर धरने पर आती है, तो उस भावना से हताश और निराश होकर उसने ये कदम उठाया। ये कदम तो वो पहले उठाना चाहती थी लेकिन उसको मौका नहीं मिला, तो आज अगर ये कदम उस थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया में और आज मीडिया इसका एक आडंबर बढ़ा दिया, लेकिन मीडिया ने वो चीजें भी दिखानी चाहिए थी, उन चीजों पर भी राजनेताओं ने एक सोच विचार करना चाहिए था भाई ऐसी नौबत क्यों आई। लेकिन हम इसको बिल्कुल सही मानते हैं और हमने आज फैसला लिया कि कुलविंदर कौर जैसे ही जेल से रिहा होकर आएगी हम यहाँ उचाना धरने पर बुलाकर उसको सम्मानित करने का काम करेंगे, और हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं अगर कानून के दायरे से बाहर इस बेटी के साथ ज्यादती की गई या टॉर्चर किया गया तो हम सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, हम उस बेटी के साथ खड़े, उसको अकेला समझने की भूल ना करें सरकार। देखिए, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। आप एक महिला हैं और कल ये एक मामला जो हुआ दो महिलाओं के बीच में हुआ, कंगना रावत को थप्पड़ भी मारा गया जो जवान थी CISF के, उसके द्वारा, तो किस तरीके से देखते हैं क्या सही है ये?
बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा था कि जो धरने के ऊपर किसान मजदूरों की महिलाएं बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेके आई है, ये कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान की माँ बहन की तरफ एक गाली का काम किया था। और वो दर्द था, और 750 किसानों की जो हमने शहादत दी है उन शहादतों का कहीं ना कहीं एक दिमाग के ऊपर एक प्रेशर था, और एक्शन का रिएक्शन हुआ, और एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि लगातार बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है मणिपुर के अंदर, नू मेवात के अंदर, और लगातार जो बेटियां हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार ने चलाया जरूर है, पर उसके अलावा इसके ऊपर उल्टा काम कर रही है सरकार, जंतर मंतर के ऊपर बहन बेटियों को घसीटा गया। तो ये यही बात है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, और जो हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की तरफ कोई अंगली उठाने का काम करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और हम उस बहन के साथ हैं। और जैसा भी सरकार को हम कहते हैं कि उसको बाकायदा जो नौकरी है उसके ऊपर नौकरी के ऊपर रखा जाए, और जो साथी है उसको किसी तरह का टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि उसके साथ जो हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं उसके साथ बिल्कुल तन से और मन से और धन से खड़े हैं। महिला तो जैसे आपने कहा कि महिला का जो सम्मान करेंगे सम्मानित करेंगे जी। और सम्मान करना चाहिए महिला, तो कंगना रनौत भी है तो उसका नहीं नहीं, हम जो कंगना रनौत है वो एक अपने शरीर को नुमाइश करती है, वो हम उसको उस निगाह से नहीं देख सकते। कुलविंदर कौर और कंगना रनौत है, इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। जो वो बेटी है वो देश की रक्षा कर रही है, वो अपने परिवार को पाल रही है, और जो कंगना रनौत है अयासी किस्म की एक महिला है, महिला में भी अंतर होता है। और जो कंगना रनौत है ये ना अपने शरीर की नुमाइश करके और अपने अडंबर फैला के बीजेपी के अंदर एक सांसद बनने का काम किया, और किसानों के साथ जो इन्होंने बदसलूकी की वो सिर्फ MP या MLA बनने के लिए ही की थी, ताकि मोदी की निगाह में आए, मोदी सरकार की निगाह में आए और एक इसको पद दिया जाए। ये लालची किस्म की और वहात और अयास किस्म की महिला है, और जो हमारी कुलविंदर कौर है एक शेरणी है और एक जाटनी है, और उसके बाद किसान और मजदूर की महिला घर की बेटी है और एक जवान है, यानी उसका और उसका दिन रात का फर्क है। और कंगना रनौत के साथ हम नहीं मानते, जो उसने ये कहा था कि 100-100 रुपए में ये महिलाएं हैं, यदि हमारी कीमत 100 रुपए है तो कंगना रनौत की जो ये कह सकते हैं कि जो कीमत है वो 0 है। और भी किसान हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और जैसे बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछेंगे, क्या ये क्या सही मानते हैं आप इसको जो कल हुआ? हाँ जी सही हुआ, जुम्मन बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक जो कांस्टेबल का इस तरीके से थप्पड़ मारना, कानून हाथ में लेना सही है? सही है, बिल्कुल सही है, कि किसान अगटबाजी कुछ ये रखी थी और बंदी बत्ती नहीं रही थी। इस वक्त हमारे साथ किसान थे और यहाँ पर जो इन्होंने तमाम जानकारी हमें दी, और इन्होंने कहा है कि जो कुलविंदर कौर का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, और जैसे ही वो गिरफ्तार हैं अभी तो जैसे ही वो बाहर आती हैं उनको उचाना के अंदर धरना स्थल पर बुलाया जाएगा और यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। जींद से हरियाणा तक के लिए प्रदीप शोकंत।